हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बेसन वाली आलू टिक्की की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, जब भी आपने बाजार में बेसन की आलू की टिक्की खाई होगी तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है, लेकिन जब आप उसे घर पर बनाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा तेल भर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा चपटी बनती है। ऐसा क्यों होता है, इसका ही आज सोल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आलू की टिक्की को बनाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद आपकी आलू की टिक्की बिल्कुल परफेक्ट और बाजार वाले चाट वाले भैया जैसे ही बनेगी। तो फ्रेंड्स, आलू टिक्की बनाते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहले मैं इस बारे में बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने आलुओं को बॉयल करना होगा। तो सबसे पहली बात, आपको अपने आलुओं को किसी तरह के प्रेशर कुकर में बॉयल नहीं करना है, बल्कि आपको अपने आलुओं को इसी तरह के किसी खुले बर्तन या भगोने में ही इसे बॉयल करना है। इससे ये होगा कि आपके आलुओं में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं जाएगा, क्योंकि आप जब प्रेशर कुकर में अपने आलुओं को उबालते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, और जब आप अपने आलुओं को मैश करते हैं तो आपके आलू बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और उनसे आलू की टिक्की बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम अपने आलू की टिक्की के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने 200 ग्राम तक बेसन इस्तेमाल किया है। आपके पास जिस तरह का भी बेसन हो, मोटा या महीन, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बेसन डालने से पहले इसे अच्छे से छान लेना है। तो बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा हम उसका आधा डालेंगे, यानी कि जैसे हमने 200 ग्राम बेसन लिया है तो उसका हाफ यानी कि 100 ग्राम हमें चावल का आटा इसमें डालना है। चावल का आटा डालने से हमारी टिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, बिल्कुल ठेले वाले भैया जैसी। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक अजवाइन, और अपनी टिक्की को कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम अपने बैटर में धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। तो जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 200 ग्राम तक हमने पानी लिया है, तो इसे हम धीरे धीरे करके डालेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, वरना आपके बैटर में गुठलियाँ पड़ने लगेंगी। तो इसी तरह से धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे और अपना बैटर तैयार करते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा 1 कप पूरा पानी इस्तेमाल हो चुका है और अभी भी हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है। टिक्की का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है, तो इसी तरह से हम पानी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम अभी 100 ग्राम तक पानी और डालेंगे, क्योंकि हमारा बेसन बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो इस तरह से इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स देने वाली हूँ जिसके बाद आपकी आलू की टिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो चुका है, तो कुछ इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। तो अब अपने बैटर में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो इससे हमारे जो बैटर होगा वो बहुत ही अच्छे से फूलेगा और बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होगा, और जब ये अच्छे से फर्मेंट होगा तो हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा फूली फूली बनेंगी। तो अपने बैटर को हम ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा बैटर अच्छे से फूल जाए। तो अब हम अपने आलूओं को देख लेते हैं। तो हमारा आलू यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पक चुका है, तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने आलूओं को अच्छे से निकाल दिया है, तो अब अपने आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे ताकि हमारे आलू के अंदर का जो मॉइस्चर है वो भाप बन के उड़ जाए और ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो हमारे आलू बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है, तो अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। अगर आप छोटे चम्मच से नापें तो ये 2 चम्मच तक तेल है। तो यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया। धनिया का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इसे हम अच्छे से चटकने देंगे, फिर इसमें डालेंगे 2 चुटकी के करीब तक हींग। हींग हमें ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए आलू। आलूओं की टिक्की के लिए फिलिंग तैयार कर रही हूँ। इस तरह से जब आप आलूओं को तेल में पकाकर फिलिंग तैयार करते हैं तो आपकी जो आलू की टिक्की हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हो और इस तरह से आलू की टिक्की बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ 2 से 3 दिन तक चल जाएंगी। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, और सौंफ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने अपने बैटर पे भी नमक डाला है। तो अब अपने आलुओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आपको अपने आलुओं को अच्छे से मैश करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना हों।
तो इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। जब हमारे आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे कटी हुई फ्रेश हरी धनिया, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे आलू की टिक्कियों की फिलिंग तैयार है, तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आलू की टिक्की की स्टफिंग बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब हम अपनी आलू की टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम थोड़ी सी स्टफिंग को हाथों में लेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे और फिर इस तरह से चपटा कर लेंगे और अपनी सारी टिक्कियां हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टिक्कियां बना रहे हैं तो इसे हम राउंड शेप ही देंगे। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट टिक्की तैयार है, तो इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्की तैयार कर लेंगे। तो हमारी टिक्कियां तैयार हैं, तो अब चलते हैं अपने बैटर को देख लेते हैं। तो हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से फूल गया है, तो अब आप अपनी गैस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर अपने तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसे चेक करने के लिए हम अपनी बैटर को इस तरह से तेल में डालकर देखेंगे। जब हमारे बैटर थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा तो इसका मतलब है कि हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब एक एक करके हम पहले अपने टिक्की को इस बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद इस गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। टिक्कियों को फ्राई करते समय आपकी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई होनी चाहिए। इस तरह से हम अपनी सारी टिक्कियां डाल देंगे। जब हमारी टिक्की एक साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो और इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, तो हम इसे दूसरी साइड भी पलट देंगे। हमने जिन टिक्कियों को पहले डाला था तो वो बहुत जल्दी फ्राई हो गई हैं, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं वरना इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इन टिक्कियों को हमने बाद में डाला था, तो इसे हमें 2 से 3 मिनट और पका लेना है। जब इनका कलर बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो अपनी टिक्कियों को हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार है। आप देख सकती हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और ये टिक्कियाँ देखने में भी बिल्कुल बाजार जैसी लगती है। तो अब मैं आपको इसका साउंड सुना देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये टिक्की की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, तब तक की अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।